मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने वडाला में एक शख्स को पहले तो जमकर पीटा, उसके बाद उसे गंजा भी कर दिया। इस व्यक्ति का नाम हीरामणि तिवारी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे ने जामिया के छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और बर्बरता की तुलना जलियांवाला बाग से की थी। इसी संदर्भ में हीरामणि तिवारी ने फेसबुक पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी से शिवसेना कार्यकर्ता काफी नाराज थे। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने टिप्पणी करने वाले हीरामणि तिवारी की पिटाई की, उसके बाद उसे गंजा भी कर दिया। वडाला पुलिस ने दोनों पक्षों को 149 के तहत नोटिस भी दिया है। हिम्मत इतना महाराष्ट्र मारा इतना बात करने का चल मुंडी ऊपर कर। अरे पहचान क्या, इसीलिए इतना ही किया तेरे को, दूसरा रहता ना पूरा पूरा ही कर देता था। आसू दे, अगली बार अगर पोस्ट किया कुछ भी गलत चीज डाल दिया सोशल मीडिया पे तो याद रखना शिवसेना का आवाज रहेगा, फिर हमारा भगवान है वो। तुम क्या महाराष्ट्र में रह क्या, दिल्ली में रह क्या, तो सब पैसा मिलता है। हां दिल्ली में रह क्या तू दिल्ली ला रहा तो का आला सुटो महाराष्ट्र में रहा ना। ठीक है माननीय उद्धव साहेब ठाकरे गेल्या 20 तारखेला या राहुल तिवारी या व्यक्ति ने आमचे दैवत उद्धव साहेब ठाकरे यांना गलिच्छ भाषेमध्ये पोस्ट टाकलेली, आज त्याचं आम्ही टकलं हे केलेली आहे, शिक्षा दिलेली आहे त्याचं। याच्या पलीकडे कोणीही व्यक्ती असू द्या, कोणी नेता असू द्या, आणि आम्ही असे शिक्षणिक असाच प्रकार करणार। करीब 19-20 तारीख की रात को एक पोस्ट था फेसबुक पे, जिसको मैंने शेयर फॉरवर्ड कर दिया था, और पोस्ट में कुछ जो CAA कानून लागू हुआ है उसके बारे में उद्धव ठाकरे का जो कमेंट था, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का जो कमेंट था कि जो है जलियांवाला बाग से, तो उस बारे में कुछ कमेंट था। थोड़े वर्डिंग्स उसमें गाली गलौज नहीं थे, थोड़ी वर्डिंग ये थी कि आ गए औकात पे, ये सिर्फ ये वर्ड था। कल सुबह अचानक जो है मैं करीब 12:30 बजे मैं और छोटे बहनोई मेरे, तो हम दोनों जन घर पे थे, तो अचानक एक बंदा आया, बोलता है कि आपको कुछ लोग नीचे बुला रहे हैं आप आइए। तो मैं जैसे नीचे उतरा तो करीब वहाँ पर 10 से 20 लोग थे वहाँ पर, तो वो दो शाखा जो शिवसेना शाखा थी, दो शाखा के अध्यक्ष वहाँ पे थे। तो मुझे लगा कि ठीक है जो बात होगी हम बात करके उसे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मैंने डिलीट मारी दिया उस चीज़ को। तो जब मैं नीचे आया तो नीचे आने के बाद मुझे करीब मेरे घर से 100 मीटर दूर लेके गए, और ले जाने के बाद वहाँ लोगों ने मुझे घेर लिया और मुझे मारना चाहा। मेरे बहनोई हैं जिन्होंने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि लोग 20-25 लोग थे, तो मुझे भी लगा कि अगर मैं यहाँ पर हाथापाई करता तो मेरा नुकसान ज़्यादा होगा, फिजिकल डैमेज मेरा ज़्यादा होगा, इसलिए मैं शांत रहा। उन्होंने जो जो किया मैं करने दिया, चलो ठीक है मान लेते हैं कि प्रताड़ना देते, एक दो थप्पड़ मारते तो भी मैं बर्दाश्त कर लेता, क्योंकि वैसे भी ये कानून का हाथ में लेने जैसा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा बाल सर का बाल निकाल दिया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।